दृष्टिहीन व मूकबधिर बच्चों के लिए कोई सरकारी विद्यालयों का लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए वह सभी बच्चे एक एनजीओ के तहत अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस स्कूल के बारे में कैसे पता चला आपको? इस स्कूल के बारे में हमें पता चला था कि हमते तो किसी ने नहीं कहा का एक दिन ये यहाँ से ही गए, तो यहाँ से गए तो हमारे को देखकर इन्होंने कहा हमारे घर वालों से कि भाई ये तुम्हारा ब्लाइंड बच्चा है, इसको हमारे स्कूल में भर्ती कराइए। जब मेरे को पता चला था इस संस्था का। कितने दिन हो गए आपको? मेरे को यहाँ पर तो वैसे तो 6 साल के लगभग हो गई है यहाँ पर। अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अभी तो मैं कक्षा 6 में हूँ। एनजीओ वाले भी यूँ परेशान है कि ये 8वीं के बाद में पास आउट हो जाते हैं तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि सरकार शिक्षा का अधिकार कानून की बात करती है तो कानून के अंतर्गत बच्चों को पूरी शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। क्या करौली में गवर्नमेंट स्कूल है इस तरह के कि उनमें बच्चों का एडमिशन हो सकता है? करौली में तो ऐसे कोई और स्कूल है नहीं गवर्नमेंट स्कूल के जिनमें इस प्रकार के जो विशेष बच्चे हैं उनको प्रवेश दिलवाया जा सके। यदि आप इस विद्यालय को नहीं चलाते, नहीं बनता, तो उससे पहले बच्चों का भविष्य क्या था जब आपने सर्वे किया था उस समय? जब हमने सर्वे किया था तो बच्चे घरों पर थे, कोई पढ़ने नहीं जाता था। सरकारी स्कूलों में इस तरीके के टीचर नहीं है तो इसी कारण हम सरकारी स्कूलों में नहीं जाते, और विशेष अध्यापक ऐसे नहीं है उनमें। अभी यहाँ पे कितने बच्चे हैं आप जैसे? यहाँ पर हम जैसे कुल टोटल 65 बच्चे हैं। एनजीओ जब इनको इतना सपोर्ट करता है तो सरकार क्यों कहाँ आंख मीच कर बैठी है? सरकार क्यों नहीं ध्यान देती कि ऐसे बच्चों के लिए विद्यालय को ले, ज्यादा नहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक एक विद्यालय तो होना चाहिए जिससे ये बच्चे अपनी शिक्षा पा सके और इनका भविष्य अंधकार में ना डूबे। आगे क्या उम्मीद है आपको अपनी? आगे हमारी उम्मीद है कि जहाँ तक तो हम पढ़ लिख कर टीचर बन जाए। 30-35 बच्चे पास आउट होकर निकल चुके हैं, वो भी आप घर पर रह जाते, आवार अनपढ़ रह जाते, ये बच्चों को भी कोई शिक्षा नहीं मिल पाती, तो जो सरकार का राइट टू एजुकेशन कानून है उसका भी इन बच्चों को लाभ मिल रहा है, वरना सरकारी स्कूलों में तो वो लाभ भी इनको नहीं मिल पाता। क्यों ना हमारे करौली जिले में भी एक विद्यालय होना चाहिए जिससे वे बच्चे इधर उधर भटकते हैं तो अपनी शिक्षा पूर्णतः ग्रहण कर सकें। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी का नंबर है 7464-250-640। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।